नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दिन की शुरुआत एक अच्छे काम से हो, इसलिए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें, क्योंकि आपका सारा जीवन ही शनिदेव की कृपा पर चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा। तो कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखना ना भूलें। साथ में इस वीडियो पर एक लाइक कर दें, क्योंकि जब आप वीडियो लाइक करते हैं तब इससे हमें प्रसन्नता मिलती है ये जानकर कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है और हम आगे भी ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिसंबर माह के शुरुआती दो दिन यानी कि 1 और 2 दिसंबर 2020 के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए दिसंबर माह के ये दो दिन कैसे रहेंगे, क्या बड़ी घटनाएं इन दो दिनों में आपके साथ आपके जीवन में घटने वाली हैं, क्या क्या बड़े शुभ समाचार मिलेंगे, क्या क्या बड़ी खुशखबरियां मिलेंगी, साथ में क्या क्या सावधानियां आपको बरतना जरूरी है, नौकरी करियर व्यापार पारिवारिक जीवन प्रेम जीवन, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं यहाँ आपको विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। मित्रों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपकी भी राशि तुला है तो नीचे लाल बटन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में नोटिफिकेशन ऑन कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन प्रतिदिन समय से मिल सके। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो पर एक लाइक नहीं करा है तो एक लाइक जरूर कर दें ताकि आपका प्रेम हमारे साथ इसी तरह बना रहे। देखिए, हमारा राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि के आधार पर हम जानेंगे 1 और 2 दिसंबर 2020 के ये दो दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं क्या क्या शुभ योग रहेंगे, क्या क्या ग्रह नक्षत्र रहेंगे। पहले 1 दिसंबर की बात करते हैं। मित्रों, 1 दिसंबर को कृष्ण पक्ष की प्रथम तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है, सिद्धि नाम का योग रहेगा, मंगलवार का ये दिन है। चंद्रमा वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और ये गोचर होगा सुबह 9:36 पर। जब चंद्रमा वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे जबकि सूर्य वृश्चिक राशि में रहेंगे। बात करें अगर 2 दिसंबर की, तो मित्रों 2 दिसंबर को कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि रहेगी, मृग शीर्षा नक्षत्र है, साध्य नाम का योग है जो आपके लिए बेहद भाग्यशाली रहेगा। चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे जबकि सूर्य भी वृश्चिक राशि में ही विराजमान रहेंगे। तो दोस्तों, ये था ग्रह नक्षत्रों का हाल। इसी के आधार पर हम आगे जानेंगे आपकी दिनचर्या किस तरह से परिवर्तित होती हुई दिखाई देगी, क्या बड़े बदलाव आपको आपके जीवन में होते हुए नजर आएंगे, साथ में क्या क्या सावधानियां हैं। मित्रों, वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि कुछ सावधानियां भी हैं जो आपको इन दो दिनों में बरतना बहुत जरूरी है, साथ में कुछ उपाय भी हैं जो आपको वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा। बहुत सरल ये उपाय है, आप इसको जरूर करें। चलिए बात कर लेते हैं इन दो दिनों में क्या क्या आपके लिए योग प्रभाव आपके जीवन में, जो ग्रह नक्षत्र हैं इनके क्या क्या प्रभाव रहेंगे। देखिए, एक तो यहाँ आपको इन दो दिनों में आपके लिए काफ़ी विशेष स्थितियाँ बनी हुई हैं। एक तो यहाँ आपको अचानक से धन लाभ होगा, अचानक से बड़ी संख्या में धन की प्राप्ति होगी, और दूसरा आपका स्वास्थ्य इन दो दिनों में बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी थी, कोई समस्या थी, तो वो दूर होगी। देखिए, इन दो दिनों में अचानक से अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे आप नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, दुकानदारी करते हैं, आप एक व्यापारी हैं, तो अब आपको अचानक से अच्छे परिणाम इन दो दिनों में देखने को मिलेंगे और अप्रत्याशित रूप से धन लाभ होने के योग भी आपको इन दो दिनों में नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ जो ग्रहों की स्थिति होगी, ग्रह नक्षत्र होंगे, ये आपको सुख भोगने की प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे और इसी वजह से इस समय आप पूरी लगन और पूरी मेहनत से काम करेंगे और खुद को अच्छी श्रेष्ठता की तरफ आप लेकर जाएंगे। इसके अलावा देखिए, अगर आप शादीशुदा हैं, विवाहित हैं, तो इन दो दिनों में आपको अपने ससुराल पक्ष के लोगों से मिलने का या किसी शादी के समारोह में जाने का मौका मिलेगा और आपके जो संबंध हैं वो काफ़ी मजबूत होंगे, बेहतर होंगे। आपके जो रिश्ते हैं उनमें काफ़ी मधुरता इन दो दिनों में देखी जाएगी, खुशियाँ लौटेंगी। रिश्तों में अगर कोई तकरार चल रही थी तो आपकी जो खुशियाँ हैं वो इस समय वापस लौट आएंगी। साथ ही देखिए, इन दो दिनों में आपके लिए कुछ यात्राओं के भी प्रबल योग बन रहे हैं। ये यात्राएं भी आपके लिए कुछ अचानक से ऐसी होंगी या फिर अनचाही यात्राएं भी आपको इन दो दिनों में करनी पड़ सकती हैं, यानी आपको कहीं अचानक से जाना पड़ सकता है और आपको अब जबरदस्ती यहाँ पर देखिए
कुछ यात्राएं ऐसी भी होंगी जो आपको जबरदस्ती में करनी पड़े। मनचाही यात्रा और अनचाही यात्रा दोनों ही तरह की यात्राओं के योग आपके लिए बन रहे हैं, लेकिन देखिए ये यात्राएं आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी, इसलिए समय काफ़ी अनुकूल आपके लिए बना हुआ है। इसके अलावा करियर के मामले में, धन कमाने के मामले में और आर्थिक स्थिति में ये दो दिन आपके लिए बहुत ही शुभ रहेंगे। आप अपने विरोधियों पर भी इस समय हावी रहेंगे और देखिए ये जो समय होगा ये आपके लिए ऐसा होगा कि यहाँ आपको खुद को सिद्ध करने का मौका मिलेगा, यानी आप अपने आप को इस बात के लिए सिद्ध कर पाएंगे कि आप कितना अच्छा कर सकते हैं, आपके अंदर जो कला है वो समाज के सामने ला सकते हैं। तो मित्रों इन दो दिनों में आपके लिए धन लाभ की स्थितियाँ बहुत ही ज़्यादा बनी हुई हैं। चलिए अब हम आपके बात करते हैं सुख भाव की, क्योंकि यहाँ एक ज़बरदस्त योग बन रहा है। तो देखिए ये एक तो आपके धन का भाव है, क्योंकि सुख भाव जो होता है वो धन का भाव होता है, माता का भाव भी होता है। मित्रों ये समय आपकी सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला साबित होगा, आपकी माता के लिए काफ़ी लाभकारी समय साबित होगा, उनके सपोर्ट से भी आपके कई काम यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा देखिए अगर आप एक प्रॉपर्टी या वाहन आदि खरीदारी करना चाहते हैं तो वो सपना अब आपका पूरा होगा और पैसों की कोई कमी भी आपको इस समय नहीं होगी, यानी धन आप कमाएंगे और धन का व्यय भी आप इन दो दिनों में अपने लिए करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा यहाँ आपकी जो कार्य क्षेत्र की स्थितियाँ हैं उनको भी ये समय बलवान बनाएगा, जो आपके लिए अच्छे नतीजे देने में काम आएगा। तो यहाँ आपके कार्य क्षेत्र में आपके काम की जमकर तारीफ होगी और साथ ही किसी प्रॉपर्टी को खरीदने की आप कोशिश करेंगे, विचार करेंगे तो उसको खरीदने में भी अब आप जरूर कामयाब होंगे। कोई बड़ी डील भी आपकी इस समय यहाँ फाइनल हो सकती है, क्योंकि देखिए इस समय आपके लिए आपके किए गए प्रयासों में आपको सुखों में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। और अगर हम बात करें आपकी माता के बारे में, हालांकि देखिए माता की सेहत में थोड़ी उतार चढ़ाव की स्थितियां ज़रूर देखी जाएंगी, जो यहां माता की सेहत का आपको ध्यान जरूर रखना होगा। हालांकि देखिए खर्चे भी आपके बढ़ेंगे, क्योंकि जब आप अपने सुखों में वृद्धि करेंगे तो खर्चे भी आपके लाजमी तौर पर बढ़ने वाले हैं। और यही देखिए ये समय ऐसा होगा कि अगर आप नौकरी करते हैं तो अब आपके करियर में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, आपको अपने करियर में किसी बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है और पदोन्नति के साथ साथ अधिकारियों में भी आपकी अच्छी साख बनेगी, अधिकारी आपकी कदर करेंगे, आपका मान सम्मान होगा, यानी आपके करियर के लिहाज से ये दो दिन बड़े बेहतरीन साबित होंगे। साथ ही पुरानी किसी प्रॉपर्टी पर इस समय आप कंस्ट्रक्शन का काम भी करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी किसी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं और प्रयास कर रहे हैं और उसमें कुछ अड़चनें आ रही थी, बाधाएं आ रही थी, इस प्रॉपर्टी को आप नहीं बेच पा रहे थे, तो देखिए इस समय इस दौरान आप अपनी उस प्रॉपर्टी का कहीं पर सौदा कर सकते हैं। इन दो दिनों में आपकी प्रॉपर्टी बिक सकती है और उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही देखिए इस दौरान अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाकर रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा शांत रहकर यहाँ आपको काम करना होगा। देखिए गुस्से की मात्रा आपके अंदर इन दो दिनों में बहुत ज़्यादा होगी, छोटी छोटी बात पर आपका जो स्वभाव है वो बिगड़ सकता है, आपके अंदर गुस्सा होगा। देखिए कार्यक्षेत्र में भी और परिवार में भी इस समय आपको नरमी से पेश आना होगा, अपने गुस्से पर आपको अंकुश लगा कर रखना होगा, तभी आप अपने समय को और बेहतर बना पाएंगे। दाम्पत्य जीवन आपका सौम्य रहेगा, मनोबल आपका बढ़ेगा और अगर आप व्यापार करते हैं तो तब आपको अपने व्यापार में अच्छे मुनाफे की यहाँ पर स्थितियाँ बनती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि व्यापार में अच्छे लाभ के योग बन रहे हैं, बस आपको इसका लाभ उठाना है। और देखिए अगर हम बात करें पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन की, तो यहाँ पर ये समय दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा, यहाँ आपको सावधानी रखनी होगी, अपने धैर्य का परिचय देना होगा, शांत रहना होगा, वरना आपके रिश्तों में थोड़ी सी कड़वाहट आ सकती है। देखिए इन दो दिन आपके पारिवारिक जीवन के लिए बड़े अच्छे दिन हैं, अगर आप इन दो दिनों को संयम से बिताते हैं तो ये दो दिन आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। देखिए इस समय आपके लिए सफलताओं के मार्ग खुलने वाले हैं, जिसकी वजह से आपके परिवार का सपोर्ट भी आपको प्राप्त होगा। अगर बुद्धि के बल पर आप अपना हर एक काम करेंगे, गुस्से में आकर, जोश में आकर, होश अगर आपने नहीं खोए तो आप अपने हर एक काम को सही दिशा दे पाएंगे। प्रेम जीवन भी आपका काफ़ी सफल रहेगा, इस दौरान आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि बेहद शुभ योग विवाह के लिए आपके यहाँ पर बन रहे हैं। बाकी ये समय बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए भी आपको कई मौके देगा, बस आपको इन मौकों का लाभ उठाना है। चलिए बताते हैं एक विशेष उपाय।
मित्रों कोई भी उपाय हो मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आप जरूर करें, क्योंकि छोटा सा एक उपाय भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा बरसा सकता है। मित्रों प्रातःकाल स्नान करते समय पानी में एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करें। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें। धन्यवाद।